तो अंजन सुत बंदन करूं महावीर बजरंग, करी सहाय रघुवंश की तुम रहे हमेशा संग। रहे हमेशा संग जे दिल में भरी उमंग, आज सभा के बीच में कोई आई निभाओ संग। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। आइए देखते हैं इस भजन के बारे में। यह उस समय का भजन है जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहे हैं। आंखों में आंसू लेकर के राम के कई मैया के पास में पहुंचे हैं और एक बात कही है, मां कोई बात नहीं, आपने हमें वनवास दिया है, हमें आपकी बात स्वीकार है और हम वन को जा रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ मां, मैंने ऐसी कोई भूल नहीं की, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की, फिर भी आपने हमें वनवास दिया है, हम इस वचन को सरोधारण करते हैं, लेकिन एक बात हमारी भी है मां, इन 14 वर्ष वनवास में मैं आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मां। और आंखों में आंसू लेकर के राम बोले हैं, मैया कि मैं छोड़ी अबद नगरी और वनवास को जाऊंगा, मैं 14 बरस तक ना तुम्हें मुख दिखलाऊंगा, मैं 14 बरस तक ना तुम्हें मुख दिखलाऊंगा। बोले हैं भगवान श्री राम, मैं छोड़ी अबद नगरी वनवास को जाऊंगा, मैं 14 बरस तक ना तुम्हें मुख दिखलाऊंगा। बोले हैं भगवान, एक बात बताओ मां, क्या खता बनी हमसे जो बन को भेज रही, क्या भूल बनी मैया जो मुखड़ा मोड़ रही। खता बनी हमसे जो बन को भेज रही, क्या भूल बनी मैया जो मुखड़ा मोड़ रही। जब आई याद तेरी मैं नहीं सो पाऊंगा,
मैं 14 बरस तक ना तुम्हें मुख दिखलाऊंगा। और एक बात बोले हैं प्रभु राम, चलो मैया कोई बात नहीं, लेकिन जब मां सुनेगी, सुमित्रा मैया सुनेगी, कौशल्या मां सुनेगी तो क्या होगा। जब सुने कौशल्या मां दिल पे क्या बीतेगी, सर मारे धरती में छाती को पीटेगी। जब सुने कौशल्या मां दिल पे क्या बीतेगी, सर मारे धरती में छाती को पीटेगी। और जो दिया क्या तुमने रघुवीर, जो दिया क्या तुमने मैं फर्ज निभाऊ। लालू, मैं 14 बरस तक ना मैं मुख दिखलाऊंगा। क्या बोले हैं प्रभु राम प्रेमपाल शास्त्री जी, मैं छोड़ अवध नगरी वनवास को जाऊंगा, मैं 14 बरस तक ना फिर मुख दिखलाऊंगा। बोले हैं भगवान श्री राम, मैं छोड़ अवध नगरी वनवास को जाऊंगा, मैं 14 बरस तक ना फिर मुख दिखलाऊंगा। और रोकर के प्रभु राम बोले हैं, मां रोकर रघुवर बोले, मैया या क्या देना सीता को लेकर के
मुझे बन खड़े है जाना। रघुवर बोले, क्या बोले मनीषा शास्त्री जी? रोक कर रघुवर बोले, मैया आज्ञा देना। प्रेम भाई, सीता को ले करके हमें बनखड़ में जाना। और जो लिखा है भाग्य मेरे, जो लिखा है भाग्य मेरे, उस फर्ज निभाऊंगा। मैं 14 बरस तक भी ना मुख दिखलाऊंगा। चौदह बरस तक ना तुम्हें मुख दिखलाऊंगा। चौदह बरस तक ना फिर मुख दिखलाऊंगा। मैं 14 बरस तक ना फिर मुख दिखलाऊंगा। मैं 14 बरस तक ना फिर मुख दिखलाऊंगा।